हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा सो दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी ऑफ करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने लिस्ट डिस्कस किए थे इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ एम सी क्यूज डिस्कस करूंगा ठीक है जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनको मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा आपके साथ ताकि बेसिकली अब मैंने रिपोर्ट्स को इसीलिए नहीं इस लेक्चर में लेकर के आया ट्वेंटी लेक्चर में ताकि एक वो ना हो जाए ना नहीं तो माइंड जो है वो स्टैंड स्टिल सा हो जाता है तो उसको बीच बीच में मैं रिपोर्ट्स के लेक्चर भी आपके लिए लाता लाता रहूंगा सो करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज का लेक्चर नंबर ट्वेंटी है एंड पी डी एफ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स दोस्तों आप ले लो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है यू पी एस सी ई पी एफ ओ फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है ये कोड लगाओ और ये कोर्स ले लो अगर किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है मेरे को मैसेज कर दो उसका भी सोल्यूशन हम निकालेंगे एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स आप लेते हो तो आपको यूट्यूब की पी डी एफ फाइल्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी जिसके अंदर एम सी क्यूज होते हैं लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होती है वो सिर्फ एम सी क्यूज होते हैं और आंसर गिवन होता है सोल्यूशन नहीं दिया होता और काफ़ी सारी बुक्स में तो क्वेश्चन जो हैं वो ऑथेंटिक ही नहीं होते तो आप इस एमसीक्यू कोर्स को फॉलो करोगे इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है हर क्वेश्चन की ठीक है तो वो और ऑथेंटिक सोर्सेज से हम इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं तो काफी आपके लिए ये यूजफुल रहने वाला है एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स आपको तीन सौ रुपए का पड़ता है जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलती है यूट्यूब लेक्चर्स की ठीक है तो डेफिनेटली काफी आफ्टर यूजिंग दिस कोर्स तो काफी एक लो प्राइज ये एक कोर्स है तो इसको जरूर आपने एक्सप्लोर करना है फटाफट भट से क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जिसको मैक भी बोला जाता है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये इनिशिएटिव बांग्लादेश इंडिया और इंडोनेशिया का इनिशिएटिव है ये इसको लीड कर रहे हैं सेकेंड है द डिसीजन ऑफ द बॉडी आर बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर कंट्रीज कि जो भी डिसीजन होगा इस पर्टिकुलर बॉडी का मैक का जो भी डिसीजन होता है वो जो बाकी की कंट्रीज हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर बाइंडिंग रहेगा थर्ड कहता है कि इट सीक्स टू एजुकेट एंड स्प्रेड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड ऑन द रूल ऑफ मैंग्रोव्स ठीक है जी एजुकेशन और अवेयरनेस मैंग्रोव से रिलेटेड कि मैंग्रोव्स कैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट इंपॉर्टेंट है मैं बार बार बोल रहा हूँ करेक्ट इनकरेक्ट पे पेपर में बहुत ज्यादा ध्यान देना देखो इसके अंदर ना अब जो मैंग्रोव अलाइंस फॉर क्लाइमेट है ना

ठीक है एजुकेशन और अवेयरनेस से कि को कैसे करने में, में क्या था बांग्लादेश इंडिया और इंडोनेशिया इसीलिए गलत हो गया था यूएई और इंडोनेशिया का इनिशिएटिव है इसके अंदर हैं इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया जापान स्पेन बट इनिशिएटिव जो लीड कर रहा है वो UAE और इंडोनेशिया है ठीक है जी उसके अलावा अवेयरनेस स्प्रेडिंग का काम है मेनली कि कैसे मैंग्रोव ग्लोबल अवेयरनेस के अंदर काम कर सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल अलाइंस है लेकिन वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर है इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग है या कोई पनिशमेंट होगी या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई सिस्टम नहीं है हर मेंबर अपनी कमिटमेंट अपनी डेडलाइन सेट करेगा और अगर वो नहीं भी उसको फुलफिल कर पाए तो उसके अंदर कुछ ऐसा पनिशिंग एलिमेंट इसके अंदर नहीं है ठीक है मेंबर्स आपस में ये भी इन्होंने डिसाइड किया कि जो ये अलाइंस के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज अपना सपोर्ट शेयर करेंगे रिलेटेड टू यू नो कि कैसे मैनेज किया जा सकता है या प्रोटेक्ट किया जा सकता है कोस्टल एरियाज को ओके सो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एनवायरमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन अगेन मिथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा करेक्ट है पहला कि ये एक सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने सेट किया है मिथेन अमिशंस को ट्रैक करने के लिए दूसरा कहता है कि मार्स जो है ये जो मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है ये गवर्नमेंट्स को कंपनीज को ऑपरेटर्स को अलर्ट करेगा जहाँ पर लार्ज मिथेन Uh, हो रहे हैं ठीक है ताकि उसको मिटिगेट किया जा सके मिथेन बेसिकली आपका एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर रोल प्ले करता है तो आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ नीदर ओके सो द करेक्ट आंसर इज सी दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं ठीक है थीके? तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली ये प्रोग्राम है इसमें इन्होंने बोला है कि हम एक सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे जिससे मिथेइन एमिशंस को हम ट्रैक करेंगे ठीक है अब इसके अंदर बेसिकली होगा क्या जो भी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर सैटेलाइट्स होंगी ना डिफरेंट कंट्रीज की जो मिथेन को डिटेक्ट कर सकती हैं उनके डाटा को यहां पर इंटीग्रेट किया जाएगा ग्लास्को में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2021 के अंदर और उसमें अराउंड हंड्रेड कंट्रीज ने बोला था कि एक ग्लोबल मिथेन प्लेज लिया था जो एक वॉलेंट्री प्लेज था कि हाँ भाई हम अपने जो मिथेन एमिशन है उनको कट करेंगे एटलीस्ट थर्टी से दो तक और काफी कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है अभी करंटली 130 कंट्रीज हैं इसमें इंडिया ने अभी तक इस इनिशिएटिव को नहीं ज्वाइन किया है इस टाइप के स्टेटमेंट्स भी पेपर के अंदर डाल देता है कि भाई ग्लोबल मिथेन प्लेज में इंडिया ने इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है या नहीं तो आप कह दोगे नहीं अच्छा वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि ये जो ग्लोबल मिथेन प्लेज है ये कौन से क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर आया था तो आप कह दोगे ग्लासगो में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था ट्वेंटी के अंदर ठीक है जी

आर्टिकल थर्टी थ्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड अच्छा जी अब ये आर्टिकल थर्टी थ्री ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपका सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है ना देखो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे हिस्ट्री के पॉलिटी के सोशल सिक्योरिटी के गैप के लेबर लॉ के लेकिन जो क्वेश्चन डिराइव्ड होता है ना वो करंट के एस्पेक्ट में डिराइव्ड होता है तो आर्टिकल थर्टी न्यूज में था तो बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया इट कॉल्स फॉर स्टेप्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है जो ड्रग्स वगैरह से बच्चों को प्रोटेक्ट करना है दूसरा सेज दैट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज तो एक तो ड्रग्स वाला पॉइंट हो गया एक सेक्शुअल अब्यूज वाला पॉइंट हो गया दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं ठीक है और जनरली अलग अलग आर्टिकल्स में इनको कवर किया जाता है तो मैं आपको बता दूं ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो ही नहीं सकते सी तो इसका आंसर होगा ही नहीं करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए वन ओनली आर्टिकल जो है है वो बात करता है, बच्चों को ड्रग्स और जो भी नार्कोटिक्रग्सटांसेज होते हैं ड्रग होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ओके सो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा ओके okay? जो आपका सेक्सुअल अब्यूज वाला है ना वो आर्टिकल थर्टी फोर है सेम पर्टिकुलर जो आपकी ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है ना इसका आर्टिकल थर्टी फोर इज ऑफ सेक्शुअल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें फोर्थ क्वेश्चन कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इसके अंदर बेसिकली ये सर्वे कंडक्ट किया गया था मदर टंग्स को वेरीफाई करने के लिए और इसके अंदर ना वीडियोग्राफी की गई थी ठीक है जब मदर टंग्स का सर्वे हो रहा था तो वीडियोग्राफी की गई थी अराउंड फाइव सेवेंटी सिक्स लैंग्वेजेस की और जो डायलेक्ट्स हैं तो ये किसने कंडक्ट किया था वीडियोग्राफी करने का भी एक रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा आंसर पर है आपका ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है जी तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सर्वे कंडक्ट किया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की एक एनुअल रिपोर्ट आई ट्वेंटी टू की उसके हिसाब से uh, ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इनको जो ये वीडियोग्राफी हुई है ना ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर प्रिजर्व इनको करेगा ताकि फ्यूचर के अंदर इन डायलेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाए जो ओरिजिनल डायलेक्ट्स हैं ठीक है एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसका क्या नाम था सर्वे मदर आर रेगुलरली रिटर्न कंसिस्टेंटली अक्रॉस टू और मोर सेंसस डिकेड्स जो पिछले दो या दो से ज्यादा सेंसस डिकेड्स से कंटिन्यूसली यूज के अंदर रही हैं फिफ्थ क्वेश्चन इंडिया की पहली नेशनल रिपोजिट्री ऑफ लाइफ साइंस डेटा मैंने आपको बताया देखो अब आपको लग रहा होगा कि पहले हम स्टेटमेंट बेस्ड अब एकदम से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए मिडल पाथ लेकर के चलना है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे दिया है तो अब अल्टीमेटली प्रिपेयर बिल्कुल हम यूपीएससी के हिसाब से कर रहे हैं फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिट्री फॉर लाइफ साइंस डाटा द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ये सेटअप uh, किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने

लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजीनियस पीपल्स प्लेटफॉर्म एल सी आई पी पी पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडिजीनियस अफेयर्स का इनिशिएटिव है दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस प्लेटफॉर्म का क्या काम है कि ये जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनके अगेंस्ट जो भी इलीगल एक्शन होते हैं पूरी दुनिया में उसको प्रिवेंट करना है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू एंड डी विल बी नीदर वन नर

किसका रिजल्ट था सीओपी ट्वेंटी वन का रिजल्ट था ओके okay, ये एक ओपन और इंक्लूसिव स्पेस है जिसके अंदर बेसिकली ये क्या आप करता है ये ना कोई प्रोटेक्शन वाला प्रोग्राम नहीं है ये इंडिजिनस लोगों की ये ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के आना चाहता है क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उससे कैसे क्लाइमेट रेजिलियंट आप बिल्डअप कर सकते हो ठीक है ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके जो लोकल लोग हैं उनकी नॉलेज को यूज करके आप कैसे अपने कंट्री को अपने ग्लोब को पूरे का पूरा क्लाइमेट रेजिलियंट बना सकते हो ठीक है उनके राइट्स को भी हमने रिस्पेक्ट करना है और उनकी से को भी हमने लेना है ठीक है और उसको अच्छे से कंसीडर करना है और इसीलिए ये एलसीआई बनाया गया था ताकि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को पूरी दुनिया में शेयर कर सको मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के अंदर ठीक है इसीलिए आपकी दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो गलत हो जाती हैं एर्थ क्वेश्चन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट गिवन है पहला कि ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है दूसरा कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसका एम है टू फाइनेंस द डी कमिशनिंग ऑफ कोल एंड एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट कि भैया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कोल का इस्तेमाल कम हो और क्लीन एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो बढ़े उसके लिए ये इनिशिएटिव है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो इस केस में आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर बेसिकली ये एक यूएस गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो इन्होंने बेजोस अर्थ फंड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन की हेल्प से बिल्डअप किया है और इसके अंदर बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये बोलता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसको ज्वाइन करें एजेंडा वही है कि कोल को डी कमीशन करके क्लीन एनर्जी को डिप्लॉय किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ठीक है एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एम है कि 2030 तक ऑपरेट किया जाए और पॉसिबल हो तो 2035 तक भी इसको एक्सटेंड किया जाए ठीक है तो अल्टीमेटली ये प्रोग्राम बोलता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्लीन एनर्जी में जाने के लिए ओके यूएस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बेजोस अर्थ फंड एंड डॉक्लर फाउंडेशन के साथ मिलकर के कोल को कम करना है क्लीन एनर्जी को बढ़ाना है।

बोला जाता है कि भाई ये करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है इंडिया को रिसेंटली यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर ऐड किया गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ठीक है सो यहाँ पर आपके पहले दो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं यूएस इंडिया करेंटली यूएस की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर नहीं है पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेसिकली जे जो यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर है उनकी पॉलिसी को ये मॉनिटर करता है और अगर करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में कोई आ गया तो उसको करेंसी मैनिपुलेटर जो है वो बोला जाता है ठीक है और इसके अंदर बेसिकली ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है यूएस का वो ये सारी मॉनिटरिंग जो है वो करता है एंड इंडिया पहले था लिस्ट के अंदर लेकिन इंडिया इटली मैक्सिको थाईलैंड और वियतनाम को रिमूव कर दिया गया था रिसेंटली टेंथ एंड फाइनल क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया नाइन्थ शेड्यूल अक्सर न्यूज के अंदर रहता है और करंट भी बन गया स्टेटिक भी बन गया पहला कहता है कि इट कंटेन्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट कि भैया नाइन्थ शेड्यूल में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने अगर कानून डाल दिया कि भैया ये कानून नाइन्थ शेड्यूल में है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते स्टेटमेंट टू दो अ लॉ अच वट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ प्लेस्ड इन द नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट कि भैया अगर नाइन्थ शेड्यूल में कोई कानून आ गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉयलेट कर रहा है तब भी उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थर्ड शेड्यूल बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 जब कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड किया गया था ठीक है जी आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनकरेक्ट है ठीक है वन ओनली टू ओनली थ्री ओनली वन टू एंड थ्री करेक्ट आंसर है यहां पर आपका बी टू ओनली ठीक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कोई कानून डाल दिया और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो वो नाइन्थ शेड्यूल में से भी सुप्रीम कोर्ट उसको बाहर निकाल करके फेंक सकती है ठीक है तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है पहले दो स्टे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज को नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल सकते हैं ताकि उनको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके और नाइन्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया गया था ओके सो सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों आ जाएंगे और स्टार्टिंग में जब इसको लेकर के आया गया था इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए जो लॉज बन रहे थे उस उन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसको लेकर के आया गया था नाइनटीन के अंदर पहली अमेंडमेंट के साथ ठीक है और इसमें ये जो अमेंडमेंट थी इसने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया आर्टिकल थर्टी बी ठीक है जी और उसके साथ सरकार ने जो वेरियस एग्री एग्रेरियन रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम वगैरह को अबॉलिश कर रही थी उसको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की अब हुआ क्या था तमिलनाडु का एक लॉ चैलेंज हुआ था 2007 के अंदर कोयलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इसमें सुप्रीम कोर्ट का नाइन जज वर्डिक था ठीक है कि भैया आपने अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर किसी लॉ को प्लेस कर दिया ठीक है उसको आप स्टिल चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर ओके okay, अगर वो फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कर रहा ठीक है थीके? सिर्फ फंडामेंटल राइट किसी का वॉयलेट हो रहा है और कोर्ट ने क्लियरली बोला कि केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ था और उसके अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्टर निकल करके आया था नाइनटीन में वो केस हुआ था तो अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि भाई नाइनटीन में बेसिक डॉक्टर आ गया था तो 1973 के बाद कोई भी लॉ ये बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट को एस्केप नहीं कर सकता चाहे आप उसको शेड्यूल में रखो चाहे उसको कहीं पर भी रखो अल्टीमेटली 1973 के बाद का कोई भी लॉ अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंदर भी है तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको छेड़ सकता है 1973 से पहले के नहीं छेड़ेगा क्योंकि तब तक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जो है वो नहीं आया था ओके चलिए सो विदी आर डन विदिक टेन क्वेश्चन गाइस एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना है कोई भी डाउट हो कमेंट करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेल कर सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय